रिकॉर्ड करूंगा। और अभी थोड़ा टाइम की कमी होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो कि कभी प्रांजल है, कभी अर्षित है, कभी अनिका है, कभी हो सकता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से या घर पे कुछ काम हो तो क्लासेस छूट जाती हैं, तो वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। अभी मैं सिर्फ 11th 12th की मेरी क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पर, तो वो नॉट फॉर एनी प्रमोशन, जस्ट जैसे ऑनलाइन क्लास है, मुझे भी पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जित क्लास है हमारी, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख रहे हैं, जहाँ पर सी का साइन हमारा माइनस है, प्लस का हम सीख चुके थे। ए की वैल्यू तुमने देख ली, बी की वैल्यू देख ली, सी की वैल्यू देख ली, कहानी पूरी वही है। इसका इसका मल्टीप्लाई अपन करेंगे ए और सी का, तो ए और सी का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, ठीक है, बहुत अच्छे। सी का साइन ऑब्जर्व करेंगे, सी का साइन यहाँ पर माइनस है। आफ्टर दैट बी की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, बी की वैल्यू 1 है। जैसे वहां पर अपन क्या पढ़ते थे, जैसे वहां पर यही फैक्टर अगर हमारा ऐसे होता x² + 5x + 6, जो कि हम कर चुके थे, वहां c और a का मल्टीप्लाई 6, c का साइन प्लस b की वैल्यू 5। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते थे कि 6 के ऐसे फैक्टर्स करें जिनका सम 5 हो, 6 के ऐसे फैक्टर्स करें जिनका सम 5 हो। यहां भी सेम वैसे पढ़ेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर्स करें जिनका सब्सट्रैक्शन करने पर 1 आ जाए, वहां ऐड करने पे वैल्यू आ जाए, यहां सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आ जाए। तो सब जानते हैं कि 6 के फैक्टर हमारे होते हैं 3 और 2, तो 3 और 2 का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात, ये फैक्टर्स तो जैसे यहाँ निकालते थे वैसे यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो, हम 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करें तब भी 1 आएगा, और -3 + 2 लिखें तब भी 1 आएगा, लेकिन माइनस के साथ में। तो ध्यान से समझ लेना ये बात कि जब भी आप ये स्टेप कर लोगे, फैक्टर्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ वाला साइन देखोगे, ये जो साइन लिखा है आपके पास में बी का साइन, इस बी के साइन को आपने जो भी फैक्टर्स किए हैं उन फैक्टर्स में बड़े नंबर के साथ आप दे देना, कभी गलती नहीं होगी आपकी। जो भी यहाँ पर आपका साइन है उसको आप बड़े नंबर के साथ लिख देना, और छोटा वाला नंबर उसके अपोजिट साइन में। यहाँ प्लस साइन है हमारा बीच में, तो हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x² + 3x - 2x - 6 हम इस तरह से लिख देंगे, बड़े नंबर के साथ में वो हम साइन पुट कर देंगे, तो हमारी कभी गलती नहीं होगी। जैसे यही हमारा यहाँ पर ये होता x² - x - 6, तो फिर से 6 के ऐसे फैक्टर करें जिनका सब्सट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए, तो फिर से 3 और 2 होंगे। तो अब की बार जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 3x + 2x - 6। मैंने तुम लोगों से एक चीज और बोली थी कि ये टर्म लिखने के बाद, ये वाला प्रोसेस लिखने के बाद एक बार इनिशियल लेवल पे कि हमारी गलती तो नहीं है, हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि इसको सॉल्व करने पर यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे इसको क्रॉस चेक करें अगर, तो -3x में +2x को सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, यहाँ 3x में से 2x को सॉल्व करेंगे तो +x आएगा, तो ये अपन क्रॉस चेक जरूर करेंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है हमारा, बाकी प्रोसीजर में x हमने कॉमन लिया, x+3 आ गया, इधर हमने -2 कॉमन ले लिया तो x+3 आ गया। इस प्रोसेस की भी खास बात कि यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम बनना चाहिए, अदरवाइज हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। सेम नहीं बन रहा है, दैट मीन्स यू हैव डन एनी मिस्टेक, या फिर आपने कॉमन सही से नहीं लिया। तो ये हमारा x+3 कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में इससे बचा x और इससे बचा -2। किसी को डाउट है इसमें? प्रोसीजर पूरा सेम है, बस माइनस का ध्यान रखना है। किसी को भी डाउट है? अनिका, रोली, कोई डाउट बेटा? ओके, नो सर। वेरी गुड। तो चलो एक्सरसाइज के अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्यूबिकल फैक्टर पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, हाँ ठीक है। एक्सरसाइज में मैंने तुम लोगों को, अच्छा पहले ये बता दो, फर्स्ट और सेकंड के किसी पार्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है? फर्स्ट और सेकंड के किसी भी पार्ट में एनीवन हैविंग प्रॉब्लम? किसी भी पार्ट में किसी को दिक्कत? नो सर। ओके, तो हम सीधे अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ बेटा, ये फैक्टर थ्योरम का क्या है, मतलब फैक्टर थ्योरम जो क्वेश्चंस फैक्टर दे रहे थ्योरम, हैं? हाँ फैक्टर थ्योरम का बेटा ये मीन है कि उस दिन आपने एक चीज सीखी थी कि हम एक्स की वैल्यू रखने पर अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है ना? सीखा था नहीं अपन ने लास्ट क्लास में?
ठीक है, तो वही फैक्टर थ्योरम है हमारी कि अगर हम एक्स की वैल्यू, जैसे किसी पॉलिनोमियल को एक्स प्लस ए से डिवाइड करना है या एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है, जिससे भी डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उससे एक्स की वैल्यू निकाल करके हम पॉलिनोमियल में पुट करें, और अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर बेटा बात? अनिका, अपन प्रोसेस उसका सीख ही चुके थे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमने आपको करने को दिया था फोर्थ। फोर्थ का फर्स्ट हो गया, फोर्थ का फर्स्ट 12x2 - 7x+1 प्रांजल हो गया फोर्थ का फर्स्ट। सेकंड भी हो सेकेंड भी हो गया, चलो बहुत अच्छे। हम माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग लिखो अपने आप, मैं पूछूंगा तुम लोग रिप्लाई करोगे। सब लोग क्वेश्चन लिख लो। पी एक्स इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट लिखो, पी एक्स इज इक्वल टू 6x2 + 5x - 6। पी एक्स इज इक्वल टू 6x2 + 5x - 6। ठीक है, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, सब लोग माइक अनम्यूट करके ए बी सी की वैल्यू बोलते जाओ सभी लोग। कितनी है? सर, ए की वैल्यू 6, बी की हाँ, सब वैल्यू लोग 5 बोलते और जाओ। सर हाँ, सी की वैल्यू फाइव सी माइनस की है। वैल्यू बहुत अच्छे, बोलते रहा करो, बोलने से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है फास्ट। ए और सी का वर्ड, सी की -6 है बट अपन 6 लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36 36। और साइन है हमारा माइनस, और बी की वैल्यू है 5। तो अपन इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रांजल बोलो कैसे पढ़ेंगे इसको हम, किस तरीके से इसको कैसे पढ़ेंगे? कोई भी बताओ कैसे पढ़ेंगे इसको। 36 के ऐसे फैक्टर कर उसका सब्ट्रैक्शन 5 आए। बहुत अच्छे, तो जल्दी से बता दो अब 36 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। सर 9 और 4, 9 into 4। वेरी गुड, 9 × 4। बहुत अच्छे, हमने एक रूल और सीखा था कि सब्सट्रैक्शन में हम ध्यान रखेंगे कि जो बीच में साइन होगा वो बड़े नंबर के साथ चला जाएगा। तो 9 को कैसा साइन दोगे आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव अब 4 को सर कैसा साइन देंगे हम? नेगेटिव। बहुत अच्छे, नेगेटिव। तुम लोग बहुत अच्छे हो। पी एक्स इज इक्वल टू 6x2, करो सब लोग साथ में करो। 5x को आपने स्प्लिट किया 9x - 4x - 6। ठीक है, कॉमन वॉमन लेना स्टार्ट कर रहे हैं, 2 सेकंड में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इससे और इससे 3x कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2x + 3 माइनस। हाँ, यहाँ कॉमन लिया तो 2x + 3, बहुत शानदार। ये दोनों ब्रैकेट हमारे एकदम सेम आ गए, तो 2x + 3 कॉमन ले लिया आपने, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा 3x - 2। रुकना नहीं है हमको बिल्कुल भी। फोर्थ का थर्ड, फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। बहुत अच्छे, करो 3x, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - x - 4। चलो रोली बताएगी बेटा, अब हम एबीसी की वैल्यू लिख लिख नहीं रहे, बताओ बेटा किस, क्या पढ़, क्या हम करें इसमें, क्या करना है हमें? एबीसी की वैल्यू सब ऑब्जर्व करते हुए क्या करना है हमें? सर अपन को 12 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनका मतलब हाँ, सब्ट्रैक्शन माइनस है कितना हो सब्सट्रैक्ट करने पे, कितनी वैल्यू? माइनस 1। ओके, वेरी गुड। माइनस 1 हाँ, तो ऐसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे, हम सब जानते हैं, 4 और 3। 4 और 3 हर्षित बेटा बताओ 4 के साथ कैसा साइन आएगा, प्लस का कि माइनस का? रूल्स सभी प्लस सीखे। का अरे सर माइनस का माइनस का साइन आएगा तुमको, हम यहाँ पर अपन, हाँ यहाँ पर हम साइन देखते हैं, यहाँ जो साइन होगा बी में वही हम लोग यहाँ पर बड़े नंबर को दे देंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर जो साइन होगा वो बड़े नंबर को दे दो, अदरवाइज गलती हो जाएगी। चलो स्प्लिट करते हैं हम लोग, 3x² - 4x + 3x - 4। बहुत अच्छे, इसमें और इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो ले लिया हमने x, 3x - 4। ठीक है,
फिर उसके बाद वन, इसमें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं उसमें वन कॉमन ले लिया, 3x-4, ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम, तो 3x-4 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचा x+1, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? अच्छा लग रहा है थोड़ा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक चलो तो हम लोग है देखो, ये स्क्वाड हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना मिडिल टर्म से तो सीख गए, और अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थर्ड क्वेश्चन जरा पढ़ लें। चलो अनिका बेटा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जरा बुक का, फाइंड द वैल्यू वाला जो लिखा हुआ है। यस सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के -1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। चलो थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें कुछ चार पार्ट्स हैं, और चार पार्ट्स में अलग अलग पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, ठीक है, अलग अलग पॉलिनोमियल गिवन है, और हर पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें सभी में x-1 इज अ फैक्टर गिवन है हमको, इस पॉलिनोमियल का x-1 एक फैक्टर। तो क्वेश्चन तो बाद में देख रहे हैं, पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि x-1 अगर हम जीरो कराएं और x की वैल्यू 1 निकालें, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि px का x-1 एक फैक्टर है, तो px की जगह अगर 1 रखें तो p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कि x-1 उसका फैक्टर हो, कितनी आनी चाहिए p1 की वैल्यू? फैक्टर कब होता है, जब वैल्यू कितनी आती है, जीरो या नॉन जीरो? तो जीरो जीरो ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें याद रखो, मतलब हम पॉलिनोमियल जो गिवन है उसमें अगर p1 रख दें तो वो जीरो आना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, हमें k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट हमें गिवन है px इज इक्वल टू x² + x + k। आप देखो इसमें अपन लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग लैंग्वेज हम लिखेंगे सिंस सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ, हम ऊपर लिख चुके हैं लेकिन फिर से क्वेश्चन में लिखे दे रहे हैं, फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन है हमें, देयरफोर p1 विल बी जीरो। क्वेश्चन हो गया, ये पी एक्स गिवन है, इसमें p1 पुट कर दो, 1x² x के लिए पुट किया 1 + k इज इक्वल टू 0, तो 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0, ये हमारा 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -k इज इक्वल टू -2। किसी को दिक्कत? नया कॉन्सेप्ट सीखा है, k वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें फैक्टर गिवन है तो वहां से x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में कर दो, वो 0 होनी चाहिए, और आप 0 के इक्वल करा दो, सॉल्व हो जाएगा। चलो सभी लोग मुझे थर्ड का फोर्थ पार्ट करके दिखाओ, थर्ड का फोर्थ पार्ट पॉलिनोमियल गिवन है, सब लोग करो और मुझे बताओ के की वैल्यू कितनी आ रही है। पी एक्स इज इक्वल टू kx² - kx² - 3x + k, ठीक है, और हमें पता है कि फैक्टर है, तो 1 वैल्यू पुट करो और उसको 0 के इक्वल कराओ, सॉल्व करो, मुझे बताओ के की वैल्यू कितनी आ रही है। एवरीवन जल्दी, थोड़ा तेज हाथ, रेस हो रही है ये। सर आ गया, कितना है बेटा? सर आ गया, 3/2, 3/2। अरे क्या बात है, अनिका प्रांजल ज्योति, अनिका प्रांजल ज्योति, हुआ बेटा? अनिका ज्योति प्रांजल, बेटा आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग राइट नाउ? हाँ, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, और हमें जैसे कोई पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है, जल्दी से मैं फिर से बता दे रहा हूँ,
और हमें x माइनस ए से इसको डिवाइड करना है, तो हम x की वैल्यू ए अगर इसमें पुट कर दें और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाए तो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है तो इट विल नॉट बी अ फैक्टर। सिंपल, वी हैव लर्न दिस। ओके, तो इसकी हेल्प से फिर एक क्वेश्चन अभी आपने किया, के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, के की वैल्यू कहीं फाइंड आउट करनी है एंड हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये इसका फैक्टर है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और पीए को 0 के इक्वल करा देंगे, तो के की वैल्यू वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने सीख लिया। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट सीख लिया, प्लस वाला टर्म भी, माइनस वाला टर्म भी। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हारा आ जाता है डिग्री 3 को फैक्टराइज करने वाला। डिग्री 3 को हम कैसे फैक्टराइज करें, तो सभी लोग फिफ्थ का सेकेंड पार्ट नोट करो, फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट है। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट सब लोग अपनी कॉपी में नोट करो, एवरीवन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब स्लोली स्लोली सीखना, ठीक है। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x-5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x-5। ओके, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। देखो बहुत धीरे से समझना, मैं बहुत धीरे बताऊंगा। पहला तुमको काम क्या करना है, पहला स्टेप तुम्हें ऐसे क्यूबिकल के फैक्टर्स में, क्योंकि क्यूबिकल में मिडिल टर्म स्प्लिट स्प्लिट करना तो होता नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे में तुमको क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -2, मैक्सिमम मैक्सिमम तुम्हारे सिलेबस में 4 वैल्यू तक काम बन जाएगा। तुम क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो पहले इसमें, बताओ सभी लोग पुट करो x इज इक्वल टू 1 और बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन। चलो बोलते जाओ, यहां पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, x क्यूब जब हम 1 रखेंगे x की जगह पे तो कितना आएगा, वन आए, सर 1 क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ 16 आएगा टोटल। चलो देखते हैं, यहां पर अपन 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3। यहां पर अपन 1 रखेंगे तो -9 ही रहेगा, यहाँ 5। तो इसको अगर सॉल्व करें हम तो 1 -3 -9 -5, तो 9 3 12 5 17 -16। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, आपने 1 पुट किया तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये हमारा 0 नहीं आया, तो क्या इस वैल्यू के लिए फैक्टर मिलेगा हमें, क्या ये वैल्यू फैक्टर वाली वैल्यू होगी क्या, हाँ या ना, नहीं होगी। बहुत अच्छे, नहीं होगी। तो ये हम 1 पुट नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू -1 पुट करो, चलो p -1 पुट करो, और देखो कैलकुलेशन फास्ट करो, x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब होगा -1 -3, जब x की जगह पे -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 * 3 हमारा हो गया 3, जब यहाँ पर x की जगह पे आप -1 पुट करोगे तो 9 * -1 ये +9 हो जाएगा और -5। थोड़ा सा डायरेक्ट और फास्ट कैलकुलेशन करो, कितनी वैल्यू जीरो आएगी, 0 है। जीरो मिल गया, मिल गया, मिल गया, हमें रास्ता मिल गया भाई। मतलब हमें पहला प्रोसीजर, आपको क्या करना है, क्यूबिकल फैक्टर में x की वैल्यूज रख करके देखनी है कि किस वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, तो हमें p-1 पर वैल्यू 0 मिल रही है। तो देखो एक चीज तुम्हें मैं रिवर्स बताता हूं, अभी हमने क्या सीखा था कि गिवन है अगर कि px, अगर px का x प्लस a एक फैक्टर है, अगर गिवन है तुम्हें कि px का x प्लस a फैक्टर है, तो हम क्या करते थे, x प्लस a इज इक्वल टू 0 करते थे, x इज इक्वल टू -a यहां पर पुट करते थे और p-a कैलकुलेट करते थे। इसको रिवर्स देखो जरा, अगर लिखा हुआ हो, जैसे सपोज दैट अगर लिखा होता कि p-a हमारा 0 है तो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, अगर p-a हमारा 0 है तो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान काम है। यहाँ जो लिखा हुआ है इसका साइन चेंज करके x में ऐड कर दो, वही हमारा फैक्टर होगा। यहाँ p-a लिखा हुआ है तो इसका साइन चेंज करके x में ऐड कर दिया हमने, तो x प्लस a इसका फैक्टर हो गया। जैसे मान लो pa लिखा होता कि pa इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या फैक्टर हो जाता, x-a। बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये p-1 0 आ गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 1 विल बी अ फैक्टर
फैक्टर ऑफ पी एक्स, इस बात में किसको किसको संदेह है, डाउट है, किसी को डाउट है कुछ? नो सर। किसी पे? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये चीज ध्यान रखना, हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल गिवन है, तुमसे कह दे कि कोई पॉलिनोमियल है और तुमसे कह दे कि P60 आ रहा है, P60 आ रहा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तुम्हें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, तुमसे कह दे कि P-2 एक फैक्टर है उसका, P-2 इक्वल्स 0 आ रहा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस टू। बहुत वेरी गुड। अगर तुम्हें कहीं लिखा हुआ है पी एक्स में तुमको गिवन है कि भैया P 3/4 0 आ रहा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x-3/4। बहुत अच्छा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें हमारे पास बात नहीं है। तो 3 मिनट बचे हैं हमारे पास, 3 मिनट में हो जाएगा? 3 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे जो तुमने सीखा है। और एक चीज, जो जो सीखते जाया करो ना, उसके कॉपी में कहीं लिखते जाया करो, तो दैट विल हेल्प यू, कि हमें याद रहेगा। तो आज का तुम्हारा काम यही है कि इस वाली एक्सरसाइज में 2.4 जिसने भी कंप्लीट ना लगाई हो वो कंप्लीट लगा लेना ध्यान करके, और जो क्वेश्चंस तुम्हारे बचे हुए हैं वो कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन बस तुमको छोड़ देना है, फिफ्थ क्वेश्चन हम कल करेंगे पूरा, और कल हम आगे का पार्ट भी करेंगे। ओके, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बेटा, ख्याल रखो सभी अपना, बाय।